लोगों के बीच आकर के आपका आशीर्वाद लेने का काम करें। भाई प्रदीप देशवाजी, प्रत्येक पिता तुल्य बुजुर्ग का, मेरी मातृशक्ति का और मेरे नौजवान साथियों का हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ उपस्थित हर उस शख्सियत का जो मेरे लिए क्षेत्र पदाधिकारी नेता या कार्यकर्ता भी मेरे लिए मेरे परिवार का सदस्य है। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे, मेरी मातृशक्ति बैठे, नौजवान साथी भी बैठे। मैं यहां कोई राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा, आप काफी लंबे समय से बैठे हो, परंतु अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करूंगा। मैं 2004 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने के लिए काम परिवार का विद्यार्थी के तौर पर पहुंचा था। न कोई राजनीति करने की इच्छा थी, न कोई चुनाव लड़ने का कोई दूर दूर तक कोई सपना नहीं था। सिर्फ डिग्री करने के लिए और डिग्री करके नौकरी करने के उद्देश्य से वहां गए, परंतु हालात ऐसे बढ़ते चले गए। मेरे जो नौजवान साथियों ने सहयोग दिया, समर्थन दिया और कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई में मेरा साथ दिया, मुझे जिम्मेवारियां दी। चेहरा मैं था लेकिन लड़ाई मेरे उन नौजवान साथियों ने लड़ी और सौभाग्य से डॉक्टर सिंह चोपड़ा जी की उंगली पकड़कर मैंने छात्र राजनीति में प्रवेश किया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की मुझे जिम्मेवारी दी गई। वैसे पहले उपेंद्र भाई वहां पर विद्यार्थियों के हितों की लड़ाई लड़ते थे, उसके बाद मुझे झज्जर जिले के प्रभारी की भी जिम्मेवारी दी गई थी, उत्तर के जिला के अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दी गई और लगातार चार बार आपके बेटे को, आपके भाई को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। मेरे लिए ये कोई सरप्राइज से कम नहीं था, किसी सपने से कम नहीं था। जब न्यूज पेपर में आया था कि प्रदीप देशवाल को इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना गया है, तो अपनी भावनाओं से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। पहले दिन सुहाग साहब बीच में बैठे हैं, पहला फोन रात को 12 बजे इनका आया था, इन्होंने मुझे बधाई दी थी। पूरी बात तो इन्होंने नहीं बताई, लेकिन इन्होंने बधाई नहीं बधाई देकर फोन काट दिया। मैंने सोचा मेरी समझ में नहीं आया, मैं सोचा फिर दोबारा तो उत्तर का जिला प्रधान बना दिया हो। जब सुबह का अखबार जब मैंने पढ़ा तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष मेरे नाम के आगे लिखा था। मैं अखबार लेकर मैंने सिटी में डॉक्टर अजय सिंह चोपड़ा जी के पास चला। मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, एक चिंता थी कि मैं कोई धन्य परिवार से संबंध नहीं रखता, मैं कोई महरूम में रहने वाला नहीं हूं, मैं तो एक गरीब किसान कमेरे वर्ग से संबंध रखने वाला एक आम विद्यार्थी। मेरे पिताजी कोई बड़े पूंजीपति नहीं थे, मैं उनसे पूछने चला गया, भाई साहब इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया अखबार में मिसप्रिंट कर दिया, तो भाई साहब मुस्कुराने लगे, इतनी बड़ी गलती नहीं होती समाचार पत्रों से, ये जिम्मेवारी दी गई। तो मैं दोबारा उनसे सवाल पूछा कि भाई साहब अब तक तो ठीक था, यूनिवर्सिटी में आरे लगा दिया करते, पैदल चले जाया करते, जरूर करके डीसी ऑफिस चले जाया करते, बाहर चले जाना पड़ा करता, रोडवेज में बैठ के चले जाते, रेल में बैठ के चले जाते, इतनी बड़ी जिम्मेवारी पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमना पड़ेगा, मेरे पास तो गाड़ी का कोई साइकिल भी मेरे नाम को नहीं, आज भी होनी आपके बीच में गर्व से कहता हूं कि एक साइकिल भी मेरे नाम नहीं है, परंतु एक बात और गर्व से कहता हूं कि किसी अठन्नी का कर्जा किसी का नहीं है, किसी के साथ कोई ठगी ठोरी नहीं कर रखी, ना बिके ना झुके, ना झुके। भाजपा कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा पूंजीपति, भूपेंद्र हुड्डा ने इतने पैसे कमा रखे, इतने पैसे कमा रखे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस पूंजी का मैं जवाब देना चाहूंगा। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा के छोरे के रोहतक में कोटे की बार अपनी मांग मनवाई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, ऊपर तक मोदी की सरकार है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ है, पूरे देश में, पूरे देश के समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में आवाज की, आपके बल पर था, आपके दिए हुए संस्कारों के बल पर था, ना हम बिके ना झुके। एक तो मुख्यमंत्री का बेटा है, 3 चुनाव लड़े, तीनों के तीनों चुनाव मुख्यमंत्री के बेटे लड़े, पहले आजादी के तुरंत बाद सर्वासी रणवीर सिंह संयुक्त पंजाब से रोहतक लोकसभा से सांसद चुनकर आते रहे, उनके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद चुनकर आते रहे,
उनके बाद उनका बेटा अमेरिका से सीधा पैराशूट से उतार दिया। एक दिन बता दो उससे पहले उसका कोई राजनीति में इस लोकसभा के क्षेत्र में एक व्यक्ति इस देश में ऐसा बता दो खड़ा करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी मदद कर रहा क्योंकि उसके कांधे पर भी हाथ रखा था। और आपका बेटा आपके बीच में खड़ा छाती ठोके गाँव हूं पूरे हरियाणा के एक भी गांव में चले थे अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर ढंग वाला एक भी बालक को हाथ होगा एक भी बच्चा अगर एमडी से कोई डिग्री करके लेकर आया होगा तो उससे पूछना ईमानदारी से पूछना चाहिए थोड़ा पूछ लियो अगर आज दिन रात को फोन करा हुआ तो आपका बेटा दिन रात उसके साथ गया है ना कभी धर्म पूछा ना घमंड पूछा ना कोई विपुची कोई तू किस राजनीतिक पार्टी का अगर गिनवा ना का तो पिस्टल से एजुकेशन के नाम पर डिग्रियां बेची जाती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 800 कॉलेजों को मान्यता दे रखी थी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सगे संबंधियों को डिग्रियां बटी ने लिखी थी उसमें प्रदर्शन किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को झुकाकर विधानसभा में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मुद्दा उठाया और पूरे हरियाणा से डिस्टेंस एजुकेशन को 2 साल के लिए मजबूर होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बंद करना पड़ा था। जब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जमीन बेचने का प्रयास भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा था तो मेरे नौजवान साथियों के सहयोग से उनके दम पर उनके संघर्ष के दम पर हमने उस मुद्दे को उठाया उस लड़ाई को लड़ा। उसके बाद जब हरियाणा प्रदेश को इन लोगों ने दंगों में जोड़ दिया हरियाणा जो भाईचारे का एक प्रदेश था उसको बांटने का इन्होंने प्रयास किया। जब चौधरी देवीलाल जी पर अमित शाह ने टिप्पणी की मैं आपको सादा तो नहीं करूंगा क्योंकि हमारे जो चौधरी देवीलाल चौधरी छोटराम जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर श्री के हमारे जो महापुरुष है किसी भगवान से कम नहीं परंतु उसका जवाब देने के लिए 72 घंटे के अंदर टिप्पणी करते 72 घंटे के अंदर अमित शाह को काले झंडे दिखाकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने उसकी औकात बताई और नौजवानों की ताकत से उसको अवगत कराया। किसी खुले मन से आपके बीच मोर पात्र के लोग भी आएंगे किसी भी खुले मन से बहस कर लेना मैं 24 घंटे तैयार हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में अगर बहस करना चाहेगा वहां तैयार हूं। अरविंद शर्मा अपने घर में बहस करना चाहेगा वहां तैयार हूं। लिस्ट बना लेना अरविंद शर्मा से लिखवाई भी निधान विद्यार्थी तो इतने काम आपके बेटे करवा के छाती ठोक कर कह दियो ना कोई एमएलए के छोड़े ना कोई एमपी के छोड़े ना किसी मंत्री के छोड़े ना किसी फ्रेंड परिवार के छोड़े कितनी संपत्ति कितनी प्रॉपर्टी न मांगकर भरांगे उस दिन आपने मेरा पाठ किया। परंतु इतना जरूर कहूं आपका सिर ना कभी झुकने दिया ना आगे झुकने दिया आपने पकड़ी रखी है मेरे बुजुर्गों के सिर की आन बान और शान है मैं इस पकड़ी को झुकने दूंगा और ना इस सर को झुकने दूंगा। मैं आपको इतना विश्वास दिला कर जाता हूं। और रही बात ये वो कहते हैं अरे भाई दीपेंद्र हारेगा भाई कोई राजशाही है के कई रोज तक लोकसभा एक ही परिवार की जानी है के क्या यह परिवार चुनाव लड़ने जाएगा यह परिवार बनने में कब सोच जाएगा आजादी से लेकर आज तक जो परिवार इस क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाया रोजगार नहीं दिला पाया बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल पैदा नहीं करा पाया। और दूसरी और छोटा आपको याद दिलाना चाहूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के पास एक कुछ जंत्र पर उन्हीं की सरकार के दौरान 2 लड़कियां डेयरी पढ़ने के लिए आती थी छेड़छाड़ से परेशान होकर स्कूल की बेटियों ने सुसाइड कर लिया था और उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि ऐसा माहौल और ऐसी सरकार अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर परिवार में बेटियों को एक कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। बेटियों बेटियां जन्म लेने से पहले भी 10 बार सोचेंगी 10 बार करेंगी ऐसा माहौल इनकी सरकार में था। और मैं आपको बता दूं आपका बेटा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में अगर किसी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी की घटना होती है तो 2 मिनट के अंदर या मैं पहुंचता हूं या मेरा कोई साथी पहुंचेगा और 5 मिनट के अंदर पुलिस ने बुलावा पुलिस ने आपको सस्पेंड करा ये हमारी नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई हमने डट कर लड़ी है बीते ना झुके ना डरे पीछे कुछ पहले मेरे ऊपर हमला कराया गया कोई भी चलाएगी मारने की कोशिश नहीं की वो तो अपनी तरफ से सोच कर गए मार दिया मेरी भी समझ में नहीं आया अब मेरी तो किसी का दुश्मनी नहीं कोई इतना बड़ा पूंजीपति नहीं मैं तेरे को फिरौती लेना चाहती हूँ कोई इतना बड़ा कोई राजनेता नहीं मैं हाँ कोई मरने वाले थे कुछ हो जा बार बार बता कर दुश्मन से 5-7 आदमी तो 5 जिनकी मैं मदद कर रखी थी छापी धो के कह सकता हूँ कि गांव की पंचायत करवा लू उसमें कैसे हूँ वो नहीं मानेंगे इस बात को। 2 महीने के बाद पता चला
और वो तो एक राजनीतिक षड्यंत्र था, और आज जब टिकट मेरे को दी गई पार्टी के द्वारा, जब तो ऐसी हो गया कि लोग क्यों डरे हुए थे, वो लोग इसलिए डरे हुए थे कि किसान के बेटे को, कमेरे के बेटे को कोई मौका ना मिल जाए। कई प्रदीप जैसे आम घरों के बच्चे जिनके पास न रुपया है, और रुपया तो दूर की बात है साथियों, हम तो सपने में सोचा ही नहीं करते कि हमें किसी राजनीति करनी पड़ेगी, कोई पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, विधानसभा जाना पड़ेगा। ये कमजोर लोग हैं, ये मेहनत के तौर पर आगे बढ़ने वाले नहीं है, ये तो वो पहलवान है जो दंगल को कर पाएगा, पूरा कुछ भी लड़ने तैयारी करा गया। जब आप इसे भी छाती है छाती लागे से मेरा पाते रहे, हमें तो छाती ठोक के कहूं, अब मेरे इस जिले में ना कभी धन की कमी छोटी, ना कभी आदमियों की कमी छोटी। आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। जब कैंटोनमेंट में स्थापना दिवस था तो एक बात कही थी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आदेश आया था, और कोई नौजवान साथी ने तो वहां से पहुंच रहा किसी हिंसों के साथी की जेब से रुपया खर्च नहीं होगा। तो यहां भी मैं अपने जिले में आया था, और मेरे सभी यहां पर पिता तुल वरिष्ठ नेता बैठे, मातृशक्ति बैठी, नौजवान शक्ति बैठी, आप लोगों ने तन मन धन से इतना सहयोग और समर्थन किया था, जो रैली होने के बाद भी कई साथियों के फोन आते, अब मैं रोज तक मैं जरूर दो लोगों का एग्रीमेंट नहीं हो तो आपको बता दें हमारे किसी भी बच्चे हो, ये आप लोगों का सहयोग था, समर्थन था। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये चुनाव प्रदीप जायसवाल का चुनाव नहीं है, मैं तो पीएचडी करने लग रहा हूं, नेट पास हूं, भगवान की दया से आपके दिव्य संस्कारों से ना आज तक कोई आया था, ना कोई भट्टा है, ना कोई आदमी उंगली टेक एक बार कह सकता क्या कमी है, नौकरी करके भी गुजारा कर लूंगा। परंतु एक दरवाजा खोला गया जिस तरह चौधरी देवीलाल के टाइम को खोला गया था, आम घरों के लोगों को राजनीति में भेजने के लिए, आम घरों से लोग आए, किसान परिवार से आए, कमेरे से, मजदूर से, दलित परिवारों से आए, और वो आकर पार्लियामेंट में बैठे, विधानसभा में बैठे, ताकि जो असली जड़ है, असली समस्या है, उससे अवगत सिर्फ वही हो सकते हैं जो खेत में काम कर रहे हो, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हो, जो बसा की छाप में बैठ के कॉलेज आप पढ़ने जा रहे हो। इसलिए एक दरवाजा खोला गया कि उन्हीं लोगों को पार्लियामेंट भेजा जाए जिनका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, ये दरवाजा खोला गया। अगर ये कोई कमी रहेगी तो फिर हमेशा के लिए ये माना जाएगा, और भाई जनता ने तो हमें पूंजीपति लोगों को ही वोट देना है, राजघराने को ही वोट देना है, कोई डेमोक्रेसी है, कोई राजाशाही नहीं है, एक ही परिवार एक लोकसभा पर कब्जा करके बैठा रहे। आप मान के चलो जब तक दीपेंद्र हुड्डा जीतता रहेगा, खैरों तक लोकसभा से कोई और नेता, कोई और पार्टी का कार्यकर्ता या कोई किसान कमेरे वर्ग का कोई सोच भी सकता है कि उसको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेगा। अगर राहुल गांधी टिकट बदलना चाहे तो मारा ताऊ और मारा बेटा भाई दीपेंद्र उसने भी आज कहा देंगे, मानो नहीं मानो। और रही बात केंद्र की, अरविंद शर्मा की बात करना चाहूं, मैं अरविंद शर्मा एक काम बता दो इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए किया, एक काम बता दो। वो तो बड़ा नेता रह रहा है, चुनाव जीत भी रहा, चुनाव हार भी रहा, आरोपिया भी सारी चीज किए गए, हम छाती ठोक कर वहां कोई चुनाव आज तक नहीं लड़ा, एक रुपया रोज मैंने, एक रुपया रोज मैंने छाती ठोक कर कहूं, लेकिन आपको चुनाव करते कहूं प्रत्याशी लेकर मजे काम ले गया हमारी गारंटी। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, शिक्षित की तो डिग्री ले लो बराबर में, अगर दुगुनी डिग्री नहीं पाओ तो हम जिम्मेवार काम कर लियो मान। सरकार में बड़े टिको है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के, आप जैसे नौजवान साथियों के सहयोग से, अगर चुनाव में आप कंधे से कंधा मिलाकर आपका मेरे सिर पर आंकड़ा नौजवान साथियों का सहयोग रहा तो मैं दावे के साथ कहता हूं जब तो गोटे के बाद हम मनवा करते हैं मैं तो गोटा के करेंगे कभी दावे के साथ कहते चुनाव अपना चुनाव मानना है ताकि सिर्फ प्रदीप भी इस पंडाल में आखिरी पंक्ति में बैठा हर नौजवान साथी हर गरीब मजदूर एक उम्मीद करेगा अब मैं भी पार्लियामेंट में जा सकूं मैं भी विधानसभा में जा सकूं मैं भी गांव का सरपंच बन सकूं सिर्फ नाते परिवारों की राजनीति घरानों की जागीर ये रोक तक लोकसभा में कभी नहीं बन पाएगा। ये राजा की लड़ाई की तरह एक लड़ाई है गरीब लोगों के
सुनमल से बचने का ये एक मौका है, पहला और आखिरी मौका है। आपने इतना मान सम्मान दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, कई घंटों से आप उमस के इस मौसम में धूप में गर्मी में बैठे हो, मैं इसका आभारी हूं और आपसे बात करता हूं। क्या जो इस जिम्मेदारी पर आपने मुझे भेजने का काम किया है, अगर आपके सहयोग और समर्थन से अगर पार्लियामेंट में पहुंचने का मौका मिला और आपका कोई काम आया तो कोई नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर आपके बीच में खड़ा होगा। आपने तो गाड़ी किराए पकड़ के दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन कीजिए, जगह बताऊंगा, टाइम बताऊंगा, आपके गांव के बीच मांगा। जिस तरीके से महर्षि यूनिवर्सिटी के साथी फोन करता है, नौजवान साथी यहाँ पर खड़े होंगे, मैं नहीं जानता भी कौन है, क्योंकि मेरे मन नहीं मेरा पूरे मेरे चुनाव लड़ना है, ना मेरे के लिस्ट बनाई मैंने इसका काम करवाना, ना मेरे किसी का साइन देख के, क्योंकि मारे तो अपनी डिग्री करवाए थे, डिग्री कंप्लीट होने वाली है। नौजवान साथी बैठे ईमानदारी से आपके, लेकिन कौन कौन साथी ऐसा है जो महर्षि गांधी विश्वविद्यालय में गया हो और मेरे संगीत के लिए सहयोग करा हो, जिन्हें सहयोग करने के हाथ ठाके साथी बताओ। जिस गांव में जाओगे अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी पर लड़िया मर का हाथ हुआ तो हाथ डूबे उठे, अभी शर्मा से हाथ उठवा के देखिए, दीपेंद्र हुड्डा से हाथ उठवा के देखिए, उसके घर से 500 मीटर दूर महर्षि गांधी यूनिवर्सिटी है। 2016 में जब हॉस्टल में रात के 12 बजे हॉस्टल में सो रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, जो गोलियां चलाई गई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यह भी नहीं पता था कि बच्चों को लाठीचार्ज हुआ। सांसद दुष्यंत चौटाला ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, सांसद दुष्यंत चौटाला ने पार्लियामेंट में उस मुद्दे को उठाया, सभी जातियों के, सभी धर्मों के और सभी क्षेत्रों के बड़े यहां पर हॉस्टल में आराम से सोने लग रहे थे। अरे इतनी बर्बरता तो महाभारत के युद्ध में भी नहीं हुई थी, अंधेरा होने के बाद तो वो भी युद्ध रोक दिया जाया करता, रात के 12 जिला की हमारी भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक शब्द बोला तो कोई साथी बता दी। कांग्रेस के साथी आगे चरेली गलियों के बीच में पूछूंगा वही बता दी, एक शब्द बोला हो तो जो कोई चीज जब तक शहर चल रहा था, जब जब शहर चल रहा था तो इस क्षेत्र में सांसद कहां था, आपके बीच में आया, किसी साथी का अंतिम संस्कार पर आया, क्या किसी का भी तेरा मित्र पहले गोटा मोड़ में आया, था क्यों नहीं था, अरे बोतना बिगड़ जा, इलेक्शन खराब ना हो जा, जिनने जनता से ज्यादा भाईचारे से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता हो तो उन लोगों को कुर्सी समेत बाहर फेंकना चाहिए। ये सोचने का समय, विचार करने का समय है, इसलिए विचार करने का समय है, अगर आपकी बार कोई कमी रहेगी, आपकी बार कोई कमी रहेगी तो हमेशा के लिए यूं दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब लोगों को तो भी पुराने रेप देनी है, क्यों नए नए एक्सपेरिमेंट करो। सुहाग साहब हमारे बीच में बैठे, इनके भी मेरे ख्याल में परिवार से कोई राजनीति घराने से संबंध नहीं थे। महर्षि गांधी विश्वविद्यालय में पहली बार यूनिवर्सिटी के प्रधान बने थे, छात्र राजनीति से आए थे, टिकट दी, चुनाव लड़ाया। अगर मैं गलत नहीं होता ऐसी बात थी सुहाग साहब, और आज आपके बीच में आपका बेटा खड़ा, न चुनाव लड़ने की इच्छा थी, ना निरंतर के सपने में बिना सोचा था, जिम्मेवारी थी, आशीर्वाद दिया, कोई निकल नहीं था तो भाई दूसरे चौटाला लड़की थी। जब पहले भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से आशीर्वाद दिया तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने मुठी भर कर दिया, देर रुपया खत्म हो जाता, दोबारा आइए चुनाव लड़े और आम लोगों से बच्चे पार्लियामेंट पहुंच गए थे। चौधरी देवीदास जी का सपना था और सपना पूरा होना चाहिए। इस विचारधारा को एक नया, एक दो आरा पुराने ढर्रे की राजनीति खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी के भी साथी बैठे, नवीन जैन हमारे संघर्ष का साथी है, छात्र राजनीति हम दोनों ने इकट्ठे साथ किए, महर्षि गांधी विश्वविद्यालय के दोनों विद्यार्थी है, इकट्ठे हॉस्टल में रहे हैं। आज मैं भी सुबह हॉस्टल से तैयार होकर आया हूँ, हर रोज हॉस्टल से आता हूँ, कोई बड़ी बड़ी कोठे में रहने वाले लोग नहीं, ना नवीन भाई ना हम, आज जो पार्टी है प्रदेश के अध्यक्ष है, दोनों पार्टियों की विचारधारा सेम है, विचार सेम है और संघर्ष का तरीका बराबर है, तो दोनों मिलकर ये कोई गठबंधन नहीं है, ये तो दो दिलों का मेल है। जब एक हॉस्टल से, एक यूनिवर्सिटी से दो दो साथी, दो दो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बना रखे, तो साथियों आप सोच के देखो, दोनों अमीर वर्ग से गरीब वर्ग से संबंध रखे, कहीं तो समा गए कहीं दुखों में गए। अगर मैं क्यों कहूं गरीब हूं, मैं क्यों कहूं मैं किसान का बेटा हूं, मैं तो छाती ठोक के कहते हैं, आज भी छाती ठोक के
कौन हम? कोई ठगी ठोली करी ना, ना माई बाप दादा ने करी ना, हमने करी ना करी, हम करा अपने एक बड़े जरूरत नहीं माई बाप, हमारे भाई साहब बैठे, हमारे पिता तुम्हें बुजुर्ग बैठे, जब जरूरत पड़ी आपने पहले भी सहयोग करा, अब आप लोगों का हौसला आपका जोश दो मिनट में करता है, भूपेंद्र भाई बता रहे थे और सब जी बता रहे थे ग्रोथ से ज्यादा इकट्ठे कर दिए भी, आपका पैसा आपका चुनाव आपने इकट्ठा कर रखा है, आपने खर्च करना है, एक रुपया भी प्रदीप ने बोझ नहीं मारना, कमेटी बनाओ जैसे आपने ठीक लेकर चुनाव लड़ो, जहां मैंने जाओ मैंने लेकर चलो, हाथ पकड़ेगा लेकर चलो, जब खान पकड़ेगा लेकर चलो, 15 लाख लोग आगे अगर पांव पकड़ेगा वोट मांग नहीं कोई गलत, 15 लाख लोग आगे पांव पकड़ेगा वोट मांग आपने दिखाया है चलना हमने है, कोई छोटी मोटी मारे हमारे नौजवान साथी है तो गलती भी हो जाए तो बस ये काम पकड़ लो, बड़ा बेटा मान के बड़ा भाई मान के, कोई नेता मत मानियो, नेता ना बड़े ना बड़ा अपना बेटा मानियो, आज वो आपका बेटा बनकर काम कराएंगे, आपका बेटा बनकर आपका भाई बनकर संघर्ष कराएंगे। साथी कह रहे थे मेरे दिन में 10 गामा के प्रोग्राम बना लिया, 20 गामा के प्रोग्राम बना लिया, पहला मेरे परिवार का पहला चुनाव है, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के जोड़ी फैला कर और अपने लिए भी उन नौजवान साथियों के लिए जवान घरों में बैठे जो आम परिवारों के जो किसान परिवारों के हैं जो उम्मीद के बैठे हैं, एक बार सोच के देखो जो व्यक्ति एक क्लास भी ना पढ़ रहा हो, जो आप पार्लियामेंट में पहुंच भी नहीं सकता हो, जहां कानून बढ़ते हो वहां पर सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन लोगों ने मान ली, पूंजीपति होना चाहिए, करोड़ रुपए गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी कोठी होनी चाहिए, राजनेताओं से डायरेक्ट संबंध होने चाहिए, कहते बीजेपी तक कट ले रहे, कहे कांग्रेस तक कट ले रहे, कहे निर्दलीय आ चुका है, क्या मैं नहीं बनता तो दो तीन पार्टियां तो रोड में कट ले, कमजोर क्रिमिनल और तरफ ये कट ले रहे, ये क्राइटेरिया चेंज करना है, हम दिल्ली दरबारों में नहीं जाएंगे, दिल्ली दरबार को हमारे बीच में जाना, वो तब आया तो अपने परिवारों से किसान कमेरे वर्ग से अपने बीच से अपने साथियों को जुड़कर विधानसभा पार्लियामेंट में, तब अपने बीच से बैठोगे तो शाम को आना तो भरा है, दोबारा आपके बीच में आओ खान पकड़ लो, अपना अधिकार मानोगे और भी कैमरा अटू आना तो दे दोगे, छाती भाव कर लोगे दोगे, अरे भाई छोड़े चुनाव लड़ाया रुपया दिए वोट दी भी आज काम है तू हमारा काम क्यों नहीं कर रहे, वो आना तो दे दोगे, उनका कह दोगे जो बाईपास करके बाईपास को सुई लागे ना काट रखे, ये बाईपास न्यू कार्ड रखे शहर में चाहूंगा तो खीना हो जाए दो चार मिनट, न्यू कार्ड रखे बाईपास ही मान लो दादरी जनरल बाईपास पर जाओ, शहर के आदमी शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए, जब चुनाव में एक महीना होंगे जो डिग्री पास कर गए महिला है उनके पास संग्राम करेंगे, वो लोग चुनो जो पूरे हरियाणा प्रदेश में 5 साल आपकी सेवा करें, एक समय तो चौधरी देवीलाल जी के समय में इस हरियाणा प्रदेश से इस देश के प्रधानमंत्री तय होते, एक समाज है कई सौ नौजवान साथी पुलिस की सीआरपीएफ की गोलियों से यहां मर चुके, क्या नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी बोला है? नरेंद्र मोदी क्या एक बार भी कोई ट्विटर पर लिखा हो फेसबुक पर लिखा हो बोला हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, वो ये मानने 10 सीट कोई बात कोई उत्तर प्रदेश में लिया होगी बिहार में लिया होगी, लेकिन अब की बार जो कांटे की टक्कर हो सपा बहुमत किसी को केंद्र में नहीं मिल रहा तो इन 10 सीटों की ताकत उन लोगों की होगा, दोबारा से दिखा दो, दोबारा से वो इतिहास दोहरा दो जब इस देश का प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश तय करेगा, जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय करेगा, जिस दिन आपके सहयोग का समर्थन से दिल्ली की सरकार बनेगी, जिस दिन हमारे काम नहीं हुए किसान मजदूर कमेरे वाले के काम नहीं हुए व्यापारियों के काम नहीं हुए, उस दिन चौधरी देवीलाल जी की तरह अगर हमारे अधिकार पूरे नहीं हुए तो 2 मिनट में सरकार गिराने की ताकत रखो, उस दिन हरियाणा के काम भी होंगे, हमारा सहयोग और समर्थन अगर हमारी पार्टी को हमारे गठबंधन को रहेगा तो दिल्ली से जो भी सरकार बढ़ो उस सरकार को बढ़ाने और गिराने की ताकत हरियाणा प्रदेश रखे, मुझे इतना मान सम्मान दिया आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, पुनः आपको बात करता हूं, मानो कोई नाराज साथी हो
मेरे हिसाब से मेरे से तो कोई नाराज नहीं होगा क्योंकि मैंने मेरे पहले ना चुनाव लड़ रखे ना किसी के लिए कोई ठगी ठगी कर रखी ना कोई किसी को और को धोखा दे रखा। अगर कोई नाराज साथी है कुछ साथी आज भी नहीं है, सब लोग बचे हुए अच्छे लोग हैं वो, परंतु हो सकता है चौटाला साहब की शर्म रह रहे हो और कारण से रह रहे हो, उनको भी मनावांगे, अच्छे लोगों को अपने साथ और जोड़ कर आवांगे। तो क्या मैं दूसरे एक विचारधारा के हैं जो कि जिन्हें दुखी कर रखा समाज, तुम्हें ऐसे लोगों के भूषण सिंह चौटाला ने पहले दिन कह दिया था कि हमने तुम्हें सर झुका के हाथ जोड़ कर लोगों के पैर हाथ लगाकर राजनीति करनी है, उन लोगों की कोई जरूरत नहीं। हमें तो एक सुरक्षित माहौल पैदा करना है और वो माहौल पैदा तब करेंगे जब अपनी विचारधारा पर चलेंगे, अपने सिद्धांतों पर चलेंगे, अपने कहे हुए एक एक शब्द की गरिमा को रखेंगे। जिस दिया ज्योति देवीलाल जी ने एक पंक्ति कही थी, एक ही लाइन कही थी जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, अभी मन ने तो हुए रहने दो लोग नेताओं के नाम पर जाने, अभी मैंने वचन दिया था मैं अपना वचन पूरा करता हूँ, प्रधानमंत्री कुर्सी किसी और को देंगे। उसी विचारधारा पर आज जननायक जनता पार्टी और यहाँ पर गठबंधन चल रहा है। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, यहाँ अपना चुनाव है, किस तरीके से लड़ना, कैसे लड़ना, कहाँ वोट मांगने, कैसे वोट मांगने, कैसे ड्यूटियां लगानी है, ड्यूटियां लगाओ, जहां लेके जाओगे वहां आपके साथ चलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।